शादी कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ। अगर वो अर्जुन है तो हमारी शादी कभी सिर से होने नहीं देगा। अंकल हमने अभी अभी उसे बाहर जाते हुए देखा क्योंकि वो हमारी और सिद्ध की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम यहाँ पर क्यों? हम अपने यार की बीवी की शादी देखने के लिए नहीं आ सकते? गुरु आज हम यहाँ पे तुम्हारे लिए आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तुम नहीं देख पाओगे उन्हें किसी और का होते हुए। गुरु आज भी तुम भाभी जी से उतना ही प्यार करते हो जितना तुम पहले करते थे और आज भी वो तुमको उतना ही प्यार करती है जितना प्यार तुम उनको करते हो। प्यार वो प्यार करते हैं तो गोली नहीं मारती। गोली मारने के बाद तुम जिंदा बच गए। जब तुम्हारी यादाश्त वापस लौटी तो तुम मेरे घर नहीं गए। तुमको चांदनी भाभी की याद आई चाहे बदला लेने के लिए क्यों ना हो। गुरु जैसे वो तुमको समझ नहीं पा रही है कि तुम अर्जुन में से राज क्यों बने वैसे ही उसकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी ना। वो तो समझो तुम। अगर वो तुमको सही में मार डालना चाहती ना तो वो तुमसे छुपती फिरती ना कि इसे बार बार तुम्हारे सामने आती। गुरु वो तुम्हारा सच जानना चाहती है तो तुम भी उसका सच जानने की कोशिश करो। एक कदम तुम आगे बढ़ोगे ना तो एक कदम आगे बढ़ने को वो भी तैयार होगी। अर्जुन हमारी बात का भरोसा करो क्या पता वो सच तुम दोनों की जिंदगी बदल दे। अपने कदम आगे बढ़ाओ क्या पता गलत फहमी के बादल जो है हमेशा के लिए हट जाए। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं तुम? ये देखो वो खुद तुमको ढूंढते हुए बाहर आ गई। उसकी आंखें सिर्फ तुम्ही को तलाश रही है गुरु। मिनट पहले तक वो सेट को गले लग रही थी। हमें तो तुम भी हो दिल्ली वाले के साथ वो का नाम है उसका जो बहुत ही पटाखा दिख हाँ माया उसके साथ तुम जो है डानस वानस कर रहे थे ना। बकवास मत करो तुम थे क्या अंदर? वो बात ही कुछ अलग थी। हम तो बस सिर्फ चल रहे। तुम जो है बतियाना बंद करो भाभी जी के पास जाओ बकेती बाद में करना। चांदनी
आ गए तुम्हारी शादी के लिए। हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा, उसे इंसाफ हम दिलाएंगे। हमारी बहन के हत्यारे को हम छोड़ेंगे नहीं। गुड़िया की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हमारे भैया निर्दोष है। भाभी, ओह माय गॉड, वेलकम होम। हमारे भैया भी गुड़िया से उतना ही प्यार करते थे जितना कि गुड़िया उनसे करती थी। तभी तो राजनीति, ये शहर, ये घर, हम सबको छोड़कर लंदन जा रहे हैं हमेशा के लिए। बताया क्यों नहीं कि भाभी भी आ रही है? अरे तुम्हारी शादी थी, कैसे नहीं आते? थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। आइए आइए अंदर, चलो अंदर चलते हैं। कहाँ चले गए हो तुम अर्जुन? सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चांदनी मैम भी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं दोनों साथ में तो। We find it. अरे सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत खुशी हुई आप दोनों को यहाँ पर देखकर। हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग आ पाएंगे। चांदनी के लिए आए पापा, ये देखने और समझने की कहीं आप उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितना हम जानते हैं चांदनी को, चांदनी शादी के लिए खुद से राजी नहीं होगी। बेटा अब हम वो पुराने वाले साहिब जी नहीं रहे, बदल चुके हैं। अपना जो कुछ भी था सब कुछ बिटिया को सौंप दिया। अरे आइए ना, हम आपको और लोगों से भी मिलवाते हैं, आइए। अरे सिंघानी साहब, ये हमारे पुत्र हैं सूर्य प्रकाश। नमस्ते। हेलो बेटा। हेलो। और ये उनकी धर्मपत्नी। नमस्ते। सिंघानिया साहब, सिद्धार्थ। हाय सर, नाइस मीटिंग यू। आइए ना कुछ जलपान कर लेते हैं, आओ बेटा। ये शादी तो पापा की परसों पुरानी प्लानिंग थी। बिजनेस और पॉलिटिक्स की शादी के लिए चांदनी कैसे राजी हो गई? भी कहोगे वो हमसे मिलना चाहती है। मेरा सच जानना चाहती है। इस बारे में तुम शर्त हार गए हो पूरी तरीके से मन्नू। अरे यार कितनी बड़ी धोखेबाज है वो। उसने कहा कि उसका भाई हमारी बहन, सिर्फ हमारी बहन से प्यार करता था, लेकिन आज देखो,
हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करके यहाँ पर खुद वो किसी और के साथ खुश है। हमारा घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया उसने। यार हमारी बहन कितनी बोली थी। अर्जुन जज्बातों में धोखा खा जाता लेकिन राज शेखावत नहीं। इस बार हमें चांदनी को समझने में ना कोई गलती नहीं हुई है। मैं ना इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतने छोटे लोग हैं ना ये लोग। इस चांदनी को तो ना मैं बर्बाद करके रहूंगा। तुम देख ले रहा। राज सर, आप कहाँ हैं? सारे लोग आपके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस है जिसकी वजह से अचानक हमें वहाँ से निकलना पड़ा। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। या श्योर सर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता? इट्स नॉट पॉसिबल। राज से बहुत अपसेट लग रहे थे। क्यों? थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ इतने अच्छे से डांस कर रहे थे। सिद और चांदनी मैम की परफॉर्मेंस देखी और उसके बाद राज सर अपसेट हो गए। चांदनी मैम और राज सर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो इतने अपसेट हो गए? पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगता है जितना नजर आ रहा है उतना है नहीं। राज और चांदनी के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। Whatever, I don't care. मैं राज को खोना नहीं चाहती। अब शायद मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा कि राज। राज सर, वो दिल्ली ऑफिस से कुछ पेपर्स आए हैं तो उसे साइन करके जल्द से जल्द कल सुबह ही हमें वापस भेजना है उसे। ठीक है, हम थोड़ी देर में होटल में आते हैं। यस सर। थैंक्स भाभी, हमारे भैया को संभालने के लिए। उस वक्त जिस वक्त सभी डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था कि भैया डिप्रेशन से कभी बाहर आएंगे, लेकिन आपने, आपकी काउंसलिंग ने, आपकी कोशिशों ने हमारे भैया को जीने की एक नई उम्मीद दे दी। सच में ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। I will always be grateful to you. Actually, हमारे बीच patient और doctor की relationship कब बदली पता ही नहीं चला। हम दोनों बस एक flow के साथ बहते चले गए। And now we are together forever. That's nice. अब चले अंदर, हमें आपसे और भैया से बहुत सारी बातें करनी है। मुझे भी। बहुत रात हो गई है, भाभी भी सो गई है, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। चांदनी, कुछ छुपा रही हो हमसे? चांदनी, हमें याद है सिंघानिया परिवार के साथ तुम्हारी शादी का प्रॉमिस सिर्फ एक पॉलिटिकल एम्बिशन था। हम भूले नहीं है, तब हम भी इन साजिशों में शामिल थे। चांदनी, वो शादी शादी नहीं है, वो एक समझौता है, एक सौदा है। और जहां तक हम तुम्हें जानते हैं, तुम उसके लिए कभी राजी नहीं होगी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने हाँ कर दी? भैया, हम ये शादी हमारी मर्जी से कर रहे हैं और सिट के साथ तो हम दो साल से तुमने सिट को हाँ नहीं कहा। चांदनी,
सिर्फ तुम्हारे लिए दीवाना है, ये बात जानते हैं। और सिड सिर्फ अपने पापा की इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके शादी करवाना चाहता है, ये बात भी एटलीस्ट हमसे तो नहीं छिपी है चांदनी। चांदनी, हम जब से यहां आए हैं हमने तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं देखी। चांदनी, हमें सच सच बताओ, पापा कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे तुम्हारे साथ? नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा क्यों जबरदस्ती करेंगे? किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की, हम अपनी मर्जी से ये शादी कर रहे हैं। तो क्या वजह है चांदनी? प्यार है सिर्फ से ना? हमें तो कोई प्यार नहीं दिखा, एक पल भर के लिए भी नहीं। वैसा प्यार जो हम देखा करते थे पहले तुम्हारी आंखों में। चांदनी, कोई तो बात है। चांदनी, अपने भैया को नहीं बताऊंगी? भैया, सच यही है कि हम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। रात बहुत हो गई है, भाभी भी अकेली है, आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट चांदनी। ये बात हम कैसे मान ले चांदनी कि जो तुम कर रही हो अपनी मर्जी से कर रही हो? संपत अंकल, आप अब तक घर नहीं गए? बिटिया, आपसे मिले बिना कैसे चले जाता? पता नहीं बिटिया, जी बहुत घबरा रहा है। अब असंगीत हो गया, कल शादी है। अगर अर्जुन ने आकर ये शादी नहीं रोकी तो फिर आप क्या करेंगे? आपने देखा ना अंकल, हमें और सिर को साथ में डांस करता थे, वो वहां से उठकर चला गया, एक पल भी नहीं रुका वो। इससे क्या साबित हुआ बिटिया? हमें तो पता लगा कि वो उसकी सेक्रेटरी माया से कोई जरूरी काम था, इसलिए वो उठकर चले गए। बिटिया, ये अनर्थ को रोकिए और इस भुलावे में मत रहिए कि कोई चमत्कार होगा कि राज अर्जुन बनकर आएगा और आपकी शादी को रोक लेगा। सच तो ये है कि कल आप सिद्धार्थ सिंघानिया की पत्नी बन जाएंगे। ये चाहती हैं आप? किसी और के साथ जिंदगी गुजार पाएंगी आप? तो छोटे साहब जी बहुत सही समय पर आ गए। उनसे बात करो बिटिया और रोक लो ये सब। भैया तो विश्वास ही नहीं कर रहे कि हम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बिटिया, उन्हें सच क्यों नहीं बताती? क्या बताएं हम? क्या बताएं? जबकि ये सच हमसे ही आग में चोनी खेल रहा है। क्या बोले? हमें लगता है कि हमें ही कुछ करना होगा। क्या? क्या करेंगे आप? हम रात से अभी इसी वक्त मिलने जाएंगे तो उसे सारा सच बता देंगे। और अगर वो अर्जुन ही है, जो कि हमारा दिल कहता है वो अर्जुन ही है, तो उसे हमारा सारा सच नजर आ जाएगा। कौन सा सच? वो सच जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं? अर्जुन की नफरत एकदम जायज है, क्योंकि उसकी आंखों ने देखा आखिरी सच वो था जब हमने उससे गोली मारी।
सामने क्यों किया? वो नहीं जानता। सिर्फ हम जानते हैं। और ये सच हमें अर्जुन को बताना होगा।